12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई। ऑक्सीजन इनका खत्म होने की वजह से भांजे की वो डेड हो गया, खत्म हो गया। और जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन की क्राइसिस है मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी, उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। जिस राज्य में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की सांसें थम रही हैं, उस राज्य की सत्ताधारी पार्टी का नेता ऑक्सीजन की कमी को थोड़ी बहुत बताकर लोगों के जख्मों पर नमक रगड़ रहा है। ये वो मध्य प्रदेश है जिसके शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से 12 कोविड मरीजों की मौत हो गई। लेकिन नेता इस आपदा में प्रचार का न सिर्फ अवसर खोज रहे हैं, भले ही लोगों तक इसकी सप्लाई में देरी हो जाए। शनिवार रात 10 बजे गुजरात से ऑक्सीजन के ये टैंकर इंदौर पहुंचे, जिसका स्वागत करने के लिए भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे और पूजा पाठ की। जनता को अच्छे से पता चल जाए कि उनके लिए टैंकर किसने मंगवाए हैं। इसके लिए ऑक्सीजन टैंकर पर एक बार नहीं दो दो बार माला चढ़ाई गई। फोटो खिंचाकर नेताजी इतने अभिभूत हुए कि ऐलान कर बैठे कि इंदौर और राज्य में ऑक्सीजन की जो छोटी मोटी समस्या है वो जल्द खत्म हो जाएगी। और जो थोड़ा बहुत हमारे यहाँ कम ऑक्सीजन की क्राइसिस है मध्य प्रदेश में भी और इंदौर में भी, उसके लिए एक संजीवनी का काम करेगा। ये जामनगर से आया वाक्य में मैं इंदौर वासियों की तरफ से रिलायंस के हर व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ। एक संकट के समय ये ऑक्सीजन जो आई है वाक्य में हमको एक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मंत्री जी के दावों पर क्या कहा जाए, लेकिन दावा है कि ऑक्सीजन टैंकर स्वागत सत्कार के इंतजार में करीब आधा घंटा इंदौर के चंदन नगर में ही खड़ा रहा। जब मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे, उसके बाद ऑक्सीजन टैंकर रिफिल स्टेशन रवाना हुआ। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम होने से शहडोल में 12 लोग मौत की नींद सो जाते हैं, वहां पर इंदौर जैसे कोरोना प्रभावित शहर में ऑक्सीजन टैंकर आधे घंटे देर से फिलिंग स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। जबकि हकीकत यह है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे मरीज के रिश्तेदार लगातार कर रहे हैं। 12 बजे के बाद हम लोग खाना पीना खिला के अच्छे से सुला पड़ा के गए हैं। उसके बाद यानी जब सुबह 6 बजे पता चला कि वो सब डेड हो गई, तो हमने गार्ड से पूछा तो बोले रात में सिलेंडर खत्म हो गया था, ऑक्सीजन खत्म हो गया था। 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है, वीडियो कॉलिंग घर पे बात किया है। तो शहडोल में रात भर में जिंदा मरीज सुबह लाश में तब्दील हो गए। अस्पताल प्रशासन ने इसकी वजह ऑक्सीजन टैंकर के देर से आने को बताया, जिस वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रेशर कम हुआ और कोरोना से लड़ रहे लोगों की सांसें बंद हो गईं। जो ऑक्सीजन नहीं पहुंची वहां पे गाड़ी से यहां पे टाइम में, उससे ऑक्सीजन का दबाव कम हुआ जी। लेकिन ये ऑक्सीजन प्रदाय बंद नहीं हुआ, ऑक्सीजन प्रदाय अभी भी चालू है, अभी भी गाड़ी तो नहीं आई है, प्रदाय तो चालू है। लेकिन वो प्रेशर कम होने से, बताया ना कि वो प्रेशर कम है, जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कम हो जाता है तो सब जगह प्रेशर कम होता है, जैसे तो वो कम हुआ है। इससे पहले 15 अप्रैल को जबलपुर में लिक्विड प्लांट में आई खराबी की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 5 मरीजों की मौत हो गई थी। लेकिन सरकार ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे को खारिज करती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई, जिनकी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल थे और जिस समय मृत्यु हुई बाकी पेशेंट भी वेंटिलेटर पर भी थे और किसी मरीज की तबीयत नहीं बिगड़ी। यदि ऑक्सीजन की कमी से कोई दुर्घटना होती तो फिर सभी मरीजों की तबीयत बिगड़नी थी, ऐसा नहीं हुआ। सरकार चाहे जो कहे, लेकिन ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। राज्य में 22 मार्च को 64 मीट्रिक टन की डिमांड थी, जो 7 अप्रैल को बढ़कर 179 मीट्रिक टन हो गई। 8 अप्रैल को 234 मीट्रिक टन थी, जो 17 अप्रैल को 330 मीट्रिक टन हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 20 अप्रैल को एमपी में 440 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग होने की संभावना है। जनता तक ऑक्सीजन पहुंचाना सरकार का काम है, उसकी प्राथमिकता प्रचार से ज्यादा जल्द जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पर होनी चाहिए।
ताकि शहडोल जैसे अस्पतालों में टैंकर आने में देरी की वजह से फिर से सांसें न उखड़ें। रविंदर शुक्ला, शहडोल, आज तक।